अरे उल्टे उल्टे क्यों आ रहे हो? तो जी गाइस, रात के बज रहे हैं 12 और रात के 12 बजे शर्ट पे प्रेस करी जा रही है। वाओ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल वासिफ सुफीशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? तो जी, एक और नया व्लॉग, और इस वक्त हम चारों रेडी हैं। रात के बज रहे हैं 12:30, कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सहरी करने के लिए जा रहे हैं। रमजान डे 17 की सहरी होगी हमारी। बाहर कहाँ होगी, चलिए चलते दिखाते हैं। देर हो रही है, जल्दी से चलते हैं फटाफट। यहाँ माईशू का नाइट वेयर, नया नाइट वेयर बना दिया है, क्योंकि रास्ते में सो जाए तो आके ऐसे। ये माहू ने पहना है, ये मैडम का, और ये हमारा मैचिंग। चलिए जी, चले निकलते हैं फटाफट। ये हमारा बैग। तो जी गाइस, रेड फोर्ट आ गया है। इधर रेड फोर्ट है, इधर चांदनी चौक है। तो जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जामा मस्जिद, और माशाल्लाह रौनक हो रही है, फुल ऑन रौनक हो रही है, और खूब लोग आए हुए हैं, खूब कैमल ऊंट की सवारी चल रही है। अभी रौनक तो आगे मिलेगी। चलो जी, भाई साहब बहुत ही रश है, तो दिन के मुकाबले रात में ज्यादा रश है। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हम बिलोंग करते हैं अपनी पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद। मेरी पैदाइश, मेरा ननिहाल, मेरा ददिहाल, जूफी का ननिहाल, ददिहाल, सब यहीं से हैं। तो चलिए आइए, आज आपको अपनी पुरानी दिल्ली, अपना जामा मस्जिद एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं यहाँ के खाने, कि हम क्या क्या खाने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। ये रश है इतना अभी, और शहरी की शहरी तक तो देखना क्या भीड़ हो जाएगी। बहुत रश है, बहुत गाइस, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी गाइस, मैं पहली बार देखी है इतनी भीड़। वो भी खाना खाने के लिए, तो जी गाइस, पूरे 20-25 मिनट के बाद हमारा नंबर आया अंदर जाने का, और लोग ऐसे भाग के घुस रहे थे, मतलब हम धक्के मार मार के अंदर घुस गए, इतने धक्के लग रहे थे जैसे कि यहाँ पर चिकन फ्री बट रहा हो। और शोर के मारे मायशा भी उठ गई थी। फिर हमने यहाँ का मेन्यू चेक करा, तो यहाँ का जो फेमस है बटर चिकन, चिकन टिक्का, वही हमने ऑर्डर किया, और साथ में रुमाली रोटी, और फिर हमने ये खाया, अपना एंजॉय किया। फिर हमारा मूड बिरयानी खाने का भी था, लेकिन हमारा पेट इसी में ही भर गया था, तो बस हमने फिर और कुछ नहीं मंगाया। हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं, चुटर मुटर बाहर भी हमें खाना है। और जैसे ही हम निकले, रास्ते में हमें जीने पे ही मिले हमारी एक सब्सक्राइबर, बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक छोटा सा बेटा था, तो उनसे हम मिले, उन्होंने हमारे साथ सेल्फी ली, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जब ऐसे रेंडमली कोई मिल जाता है और इतना प्यार से मिलता है ना, तो बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। तो गाइज, अब हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, और हम आए हैं हवेली आजम खां, फेमस तौफीक की बिरयानी खाने। लेकिन यहाँ पर भी इतना ज्यादा रश था कि बैठने की कहीं से कहीं तक जगह नहीं थी, तो हमने सोचा चलो इसको पैक करवा लेते हैं। अब जब यहाँ तक पैदल चलते हुए आए ही हैं, तो बिरयानी को लेकर जरूर चलते हैं।
तो जी गाइस भीड़ भाड़ से निकल के एक घूम रहे हैं फेमस बिरयानी लेने के लिए, खाने के लिए आए थे लेकिन मौका नहीं लगा, भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने ना एक यहाँ ये चलता रहेगा, यहाँ बाइक आती रहेंगी, हमने ना पैक करवा लिया है और अब वो घर जाके आराम से खा लेंगे। दे दो, दो गिलास दे दो। हमारा कॉटन कैंडी कितनी बड़ी? रहे हो भाई भीड़, अरे झगड़ा हो गया, भीड़ हो रही है, क्या हो रहा है? तो अभी हो गई, चला ही नहीं आ रहा, अभी तो ईद आई नहीं है, जो है टाइम है अभी। मैं आना था बस, कहाँ जा रहा है? बात करने का मौका ही नहीं लग पा रहा है। और असलम पे चिकन खाया है, शाही टुकड़े खाए हैं, शरबत पिया है और अब देखो आगे कुछ मिलता है तो। One hour later. तो गाइज़ अब बस यहाँ से चलने का वक्त आ गया है, खूब मज़ा आया। आपको कैसा लगा देखकर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब चल रहे हैं घर, तो सीधा आपसे मिलते हैं घर पर। तो गाइज़ घर आ गए हैं वापस और इस वक्त हो रहे हैं 4:15, अब भी काफ़ी वक्त बचा हुआ है सहरी का। तो ये मुन्नू जागा हुआ है, ठीक है, हो गया। ओ ओ, ये कैसे हुआ? बहुत दूर से नहीं चले गए, मैं शाह को इधर चाय निकल गई। कोई नहीं, चलो चल चल मेरे बेटे, चल आ जा, सोने का वक्त ही आ जा। तुम्हें क्या हुआ जी? कुछ नहीं। ऐसे क्यों सुकड़ी भी हो, फैल के लेटो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो जी सुबह हो गई है और जोहर भी हो चुकी है, जोहर पढ़ ली है और इस वक्त बज रहे हैं 3। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, एक तो इफ्तारी का सामान लेकर आना है, इफ्तारी नहीं है वो लेकर आनी है। दूसरा, माहिरा के स्कूल्स खुल रहे हैं कल से, तो उनके कुछ कॉपीज़ हैं, नई कॉपीज़ जो सेकेंड क्लास में लगी हैं, तो उन पर कवर्स चढ़ाने हैं अलग अलग कलर के। ये स्कूल वालों को इस बार नया पंगा है कि हर कॉपी पर अलग कलर का कवर होना चाहिए कंपलसरी, विदाउट नहीं भेज सकते। तो लेने जा रहा हूँ और माहिरा को लेके जा रहा हूँ और चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम।
गाइस बस रोजे का वक्त होने वाला है और आज कुछ शूट नहीं किया, फ्राई वगैरह करते हुए एक्चुअली सिर्फ पापड़ फ्राई करे हैं, बाकी कीमे के समोसे आए हैं आज और फ्रूट चाट बनी है और छोले हैं और शरबत है और बाकी हमायशु बैठी हुई हैं, दस्तरखान बिछ चुका है। चलिए वेट करते हैं और दुआ मांग लेते हैं। चाय आ गई है गाइस, चाय पीते हैं, इफ्तार हो गया है और इस वक्त टाइम हो रहा है 8:15 और चाय पी जा रही है गाइस। इफ्तार हो गया है, चाय पी लिए और अब मैं बैठ गया हूँ एडिटिंग पे, क्योंकि व्लॉग एडिट करना है और जल्दी से लाइव करना है। तो इस व्लॉग को रखते हैं बस इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत थी इस व्लॉग में, एडिटिंग में थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि अच्छा सा कंटेंट देना था। शहरी एट जाम मस्जिद वाला जो पूरा पार्ट था वो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्या उसमें अच्छा लगा, कौन सा खाना अच्छा लगा, भीड़ कैसी लगी और शरबत है मोहब्बत है शरबत, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें क्या लगा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, अब नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।